मेरी शुरुआत हुई है कॉमिक्स से। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने कॉमिक्स में पढ़ता था, तो बस उसी थोड़ा सा मुझे माइंड में आया और मैंने स्टार्ट किया। प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं हुई है, बट ये अद्भुत कला, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा मैंने। हमारे भारत में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अद्भुत मंदिर हैं, तो बचपन में सारी चीज़ें मैंने सर्च करी हैं, पढ़ा है बुक्स में, तो वह वहाँ से आया है। हर पेंटिंग में मैसेज है, तस्वीर है, तो हम मॉडर्न आर्ट को इस तरीके से दिखाते हैं ताकि अद्भुत कला, मतलब हम जो देखते हैं चीज़ें नॉर्मल लाइफ में, हम उसके अंदर भी कुछ अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे कि पहाड़ हो गया, पहाड़ के अंदर भी काफ़ी कलाकृति बनी रहती है, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें खोजी हैं, चेहरे बने हुए हैं, पेड़ में भी चेहरे बने रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमने ध्यान में रखे थोड़ा सा वर्क किया है। थॉट्स, मैं सारी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ मैं देखता हूँ सब में कुछ ना कुछ आर्ट है, तो मैं सारी चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखता हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब हम चीज़ों को अलग तरीके से देख के और वो अपने देश को उसके साथ एक अच्छे से मैसेज के साथ लेके आए सामने। इस किट में ख़ास बात ये है कि कलर यहाँ के नहीं, ये तो अद्भुत की बात है क्योंकि ये यहाँ के अवेलेबल नहीं है, और मैं दिखाता हूँ आपको कि इस किट में हम किस तरीके से कलर, कैसे कलर तो नॉर्मल सभी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैलेट है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में क्या होता है कि सभी पैलेट यूज़ होते हैं, बट इस पैलेट में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इस पे यूज़ करके इसको वापस से धोया भी जा सकता है, ये अलग तरीके से हैं, और कलर बहुत वाइब्रेंट हैं और बहुत यूज़फुल भी हैं, और ये अपने शेड्स के लिए जाने जाते हैं। तो रेम्ब्रैंड इनका ब्रांड का नाम है, रेम्ब्रैंड ये ऐसे ब्रांड है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट पहले यूज़ किया करते थे, और इससे पेंटिंग बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सौभाग्य मुझे मिला इस लॉकडाउन में कि ये मुझे इसमें काम करना पड़ा, और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और जो कभी हुआ नहीं है, जैसे ऑयल कलर के साथ मैंने शैम्पू भी यूज़ किया है, तो ये बहुत अद्भुत देन है। वेल, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मैंने पेंटिंग की है, लाइक मैंने वेजिटेबल भी यूज़ किया है टेक्सचर के लिए, हमने भिंडी जो हम नॉर्मल चीज़ें को देखते हैं सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया हुआ है, लाइक टिश्यू पेपर तो नॉर्मल है लेकिन हम घर की चीज़ों को भी यूज़ किया हुआ है, काजल और जो भी है हाउस होल्ड की चीज़ें, शैम्पू और साबुन, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यूज़ किया है, शेविंग क्रीम भी है, शेविंग क्रीम इज़ ऑल्सो टेक्सचर के लिए हम सारी चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये, और फेस क्रीम भी इसका यूज़ मैंने किया हुआ है पेंटिंग में। सबसे पहले तो हमें पेंटिंग के थॉट्स लेके आने चाहिए कि हमें क्या देखना है, हमें क्या देखा है पेंटिंग, हम क्या दिखाना चाहते हैं, हमने अपनी कंट्री के, हमारा कंट्री आर्ट से भरा हुआ है, तो हम वो आर्ट लेके आते हैं जो हम बाहर भी दिखा सकें, दुनिया को दिखा सकें, और मेरा एक स्पेशल मैसेज भी है कि हम वो आर्ट करें जो लोगों को पसंद आए, जो लोग देखना चाहते हैं, और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट में कुछ होता ही नहीं है, आर्ट ये इम्पॉसिबल है, आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आर्ट हर चीज़ में दिखा सकते हैं, रुमाल के ऊपर भी आर्ट होता है, हर चीज़ में आर्ट होता है, मार्बल के ऊपर, तो आप कैसे भी करके आप दिखा सकते हैं आर्ट को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, जैसे जैसे आप पेंटिंग करते जाएंगे, गैलरी एग्जीबिशन करते जाएंगे, आपको चुनौतियाँ मिलती जाएंगी। ये सोचा नहीं था कि मेरा आर्ट यूरोप चला जाएगा, एग्जीबिशन आई कॉलेज के थ्रू, लेकिन हुआ ये कि सारा जो ब्लूप्रिंट होता है पेंटिंग का वो मैंने खुद ही डिज़ाइन किए थे, और होता है एक इंटरनेशनल टैग लगता है होटल का, तो वो रेफरेंस मेरा काम आया बाहर, तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और मैंने अद्भुत पेंटिंग बनाई है, तो बाहर लोगों ने काफ़ी इसकी प्रशंसा की है, सो मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे बाहर से भी मौका मिला पेंटिंग करने का।